नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं स्वामी निरूपम, जो पिछले 15-16 सालों से ओशो मेडिटेशन, खासकर सूफी टेक्निक्स, गुरुजी ऑफ सैक्रेट डांस, सेल्फ इंक्वायरी टेक्निक्स वर्कशॉप लीड कर रहे हैं। आइए मिलते हैं स्वामी जी। आपके ओशो के कांटेक्ट में आने से पहले के जीवन के अनुभव साझा करें, और आप ओशो के कांटेक्ट में कैसे आए? ओशो के कांटेक्ट में आने से पहले तो जो मेरा लाइफ था नॉर्मल, जो होता है सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे था मैं ऑलरेडी, स्कूल जब मेरी स्कूलिंग थी तभी से, पर वो एक डिफरेंट पाथ था। लाइक जैसे हम हिंदू समाज में फॉलो करते हैं अपने रिचुअल्स, तो उस तरह से। लेकिन फिर ओशो को जब मैंने पढ़ना शुरू किया जब मैं कॉलेज में था, तो आई थिंक 85-86 की बात है, तो तब न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ छपता था ओशो के बारे में, और एक मैगज़ीन आती थी धर्मयुग, तो उसमें उनका लेख आता था एक, तो जो उनकी बुक से लिया गया था कुछ भी, तो पढ़ता था, इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। तो इस तरह से जो ओशो से पहली मुलाकात मेरी हुई, मतलब उन लेखों के थ्रू, कभी मैं फिज़िकली तो नहीं मिला ओशो से। और फिर 90s में मैंने फिर मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो उससे पहले मैं सिर्फ पढ़ता था, तो पढ़ने से अंदर इंटेलेक्चुअली तो नॉलेज मिलती थी, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ इंटरनल एक्सपीरियंस नहीं था, पर कुछ अंदर तो चल रहा था। तो मेडिटेशन कैंप्स होते थे, तो उसमें फिर मैंने फर्स्ट कैंप जो ज्वाइन किया, तो उससे काफ़ी अच्छे अनुभव हुए, कुछ एक तरह से एक शांति मिली इंटरनल, तो फिर वो जर्नी जो है वो चलती गई। स्वामी जी, ओशो की मेडिटेशन टेक्निक्स करने के बाद आपका सूफिज्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ? जब एक्चुअली अट्रैक्ट हुआ मैं इसकी तरफ, मुझे नहीं पता था कि ये सूफिज्म है जी। और ओशो मेडिटेशंस तो चल ही रहे थे, मैं ओशो कम्यून में रहता था उस टाइम पे, तो वहाँ पे मैं हर रोज जो लोग वर्लिंग करते थे जी। तो उनको देखता था तो अट्रैक्शन होता था कि क्या टेक्निक है, लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि सूफी है कुछ। और वो जो मेरा पहला अट्रैक्शन था सूफिज्म की तरफ, मुझे नहीं पता था कि वो सूफिज्म है, तो फिर मैंने वर्लिंग जो है वो करना शुरू किया, और फिर पता लगा कि ये सूफी वे है, जो ये जो मेडिटेशन है, जो तरीका है, सूफी उसको यूज़ करते हैं अपना एक इनर एक्सपीरियंस के लिए, और मुझे भी उससे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हुए। और फिर और गहराई में गए तो पता लगा कि इनका और भी गहरे प्रयोग होते हैं, जैसे जिक्र है जिसमें चैंटिंग ब्रीदिंग वगैरह वो करते हैं, तो इस तरह से जो है मेरा एक एनकाउंटर कहें सूफिज्म, अगर उसको कहना चाहते हैं तो। तो स्वामी जी, आपने सूफिज्म की टेक्निक्स की ट्रेनिंग कहाँ से ली? जैसे आपने बताया जिक्र। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने जी। मैं पूना में उस टाइम पे वर्कशॉप्स होती थी जो सूफी जिनका बेस होता था, तो उसमें जिक्र वगैरह होते थे, वर्लिंग होती थी, तो हम पूरा दिन उसी का ही प्रयोग करते थे, उसी को ही उसका अनुभव करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, तो बार 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 करने से आई थिंक वो अंदर इतना गहरा गया कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं किया, पर एक अंदर से इच्छा हुआ कि शेयर करें उसको, तो इस तरह से फिर वो शेयरिंग शुरू हुआ। स्वामी जी, जैसा कि अभी आपने बताया जिक्र के बारे में, तो हम जानना चाहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी टेक्निक्स के बारे में आप हमें कुछ बताइए। सेल्फ इंक्वायरी जो टेक्निक है, बेसिकली लेट्स से अपने अंदर जाना जी, तो इसमें इस टेक्निक में हम कोआंस का प्रयोग करते हैं, तो कोआन जो है वो जेन मास्टर्स ने दिया है, जब भी वो अपने अपने शिष्यों को कुछ
गहराई में जाने के लिए कुछ वो देखते थे कि शिष्य की अभी इसको ज़रूरत क्या है, तो उसको कुछ भी कुआन देते थे, तो उस कुआन से उसको जो है वो अपने आप पे काम करने का मौका मिलता था, अपनी वो इंक्वायरी करता था कि ओके अभी हम बैठे हैं तो ओके मैं कौन हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो वो शब्द जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो मेरे दिमाग से आ रहे हैं, वो मेरे हार्ट सेंटर से आ रहे हैं, वो मेरी नाभि से आ रहे हैं। तो सेल्फ इंक्वायरी जो टेक्निक है वो हमें अगेन के हमें और गहरे ले जाने में जो है वो हमें हेल्प करती है, हम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो माइंड जो है रिलैक्स होने लगता है और हम जो हमारा जो एक कहें के जो एक केंद्र बिंदु है उसको उसका हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जो उस मोमेंट का जो सच है जो ट्रुथ है उस मोमेंट का उसका हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं सेल्फ इंक्वायरी से। स्वामी जी, जब सूफिज्म का बात आती है तो रूमी का नाम आता है, तो आपका इसके बारे में कोई अनुभव हो तो प्लीज़ हमें बताइए। रूमी अभी जो इस अभी कहूँ इस टाइम पे तो रूमी काफ़ी एक फेमस है, जब भी सूफिज्म की बात होती है तो रूमी की भी बात होती है जी। और सूफिज्म जो है वो एक प्यार का रास्ता है, हार्ट का रास्ता है, और रूमी ने जो बात करी है प्यार की इश्क की, तो इसलिए रूमी और सूफी जैसे एक हो गए जी। तो रूमी जो टर्की से थे और एक मास्टर थे जी। सूफी मास्टर थे और एक सिटी है वहाँ पे कोन्या टर्की में, तो वहाँ पे उनका जो जहाँ वो रहे वहाँ पे उनका वहाँ उनकी डेथ हुई, तो वहाँ पे उनका एक मकबरा भी है, तो वहाँ पे मैं गया हूँ काफ़ी बार और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है एक मेरे लिए तो एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हर बार जाना चाहता हूँ, बार बार जाना चाहता हूँ वहाँ में, तो साल में एक बार मेरा विज़िट होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो हम जब इकट्ठे होकर ज़िक्र करते हैं तो वो जो एनर्जी होती है, वो समा जो बनता है, वो बोलते हैं कि डायरेक्ट जो एक कनेक्शन डिवाइन के साथ, तो उसका अनुभव होता है जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे मिलके ज़िक्र कर रहे होते हैं, जिनका एक ही मोटिव है कि वो वहाँ पे किस लिए हैं, उनका मोटिव सिर्फ यही है कि शेयर करना, अपना हार्ट शेयर करना, अपना प्यार शेयर करना, तो वहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरे लिए तो है। स्वामी जी, आपके जो मेडिटेशन वर्कशॉप हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? वर्कशॉप्स काफ़ी जगह पे होती हैं इंडिया में, जो अलग अलग ओशो सेंटर्स हैं नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, इधर हिमाचल में, साउथ इंडिया में केरला है, पांडिचेरी है, तो सेंटर्स में भी होती हैं और कुछ प्राइवेट वर्कशॉप्स भी मैं करता हूँ जो ओशो से रिलेटेड नहीं है, जैसे सिर्फ सूफीज़म पे ही बेस्ड हैं या सेल्फ इंक्वायरी पे बेस्ड हैं या गुरजेफ मूवमेंट्स पे बेस्ड हैं, तो इंडिया में भी होती हैं और बाहर भी अलग अलग कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं जाता हूँ, तो वहाँ भी ये जो शेयर करता हूँ जो टेक्निक्स हैं। स्वामी जी, हमें आपके बचपन के बारे में बताइए। बचपन से मुझे बॉर्न अगेन याद आया एक्चुअली, जो अभी मैंने आई थिंक लेटेस्ट जो मैंने पार्टिसिपेट किया था वो शो का बॉर्न अगेन ग्रुप था जी। तो वो मुझे बचपन में ले गया था और वैसे जो बचपन मेरा है, जो मेरा बर्थ प्लेस है वो हरियाणा में है जी। छोटा सा टाउन है घरौंडा, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई और उसके बाद फिर कॉलेज जो है वो उसी से लगता डिस्ट्रिक्ट जो है करनाल, तो यही मेरी स्टडी रही और बिजनेस स्टडी किया मैंने, पर
बिजनेस तो स्टडी किया, पर मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों स्टडी किया क्योंकि बाद में मैं जो काम जो मैंने शुरू किया वो खेती करने लगा, जो कि मेरा फैमिली जो मेरे फादर करते थे तो उनको साथ मैंने ज्वाइन किया और अभी भी मैं वो कर रहा हूँ। तो खेती जो है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या कारण है, पर मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ जब मैं फार्म पे जाता हूँ, जब मैं पौधों को देखता हूँ, जब मैं हर रोज़ घूमता हूँ वहाँ पे। तो यही मेरी जर्नी है जो अभी भी चल रही है। मेडिटेशंस तो ऑफ कोर्स वो बीच में आए और काफ़ी अभी भी वो भी चल रहा है। तो ये लाइफ जो है वो एक तरह से जुड़ी हुई है, ध्यान भी और काम भी, दोनों चीज़ें, वर्क एज मेडिटेशन जैसा ओशो ने कहा इस तरह से होना चाहिए। तो थैंक यू। Ha ha ha!